Let it bang, bang. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल लव द लेसन। आज जो मैं आपको बाइक दिखा रहा हूँ वो किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। बाइक है क्लासिक रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 न्यू 2022 मॉडल, जो फॉरेस्ट ग्रीन में है। और ये बाइक हमने रिसेंटली अभी परचेज़ किया। आप लोग देख रहे हो कि हम लोगों का ट्रैवल पर ज़्यादा फोकस, हम बहुत ट्रैवल कर रहे हैं अभी। तो अब जो ट्रैवल होगा वो हमारी क्लासिक 350 से ही होगा। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और बाइक को जो स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में आपको बताते हैं, क्या कमियाँ हैं, क्या डिसएडवांटेज है, क्या मॉडिफिकेशन कंपनी ने करी है। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। सो हम स्टार्ट करेंगे बाइक के मीटर से, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और अभी मैं मीटर स्टार्ट कर रहा हूँ। ये कुछ ऐसे मीटर स्टार्ट होता है। और अभी आप देख सकेंगे ये जो फ्यूल की लाइट है, अभी दो डंडे हैं फ्यूल के, मतलब अभी फ्यूल है इसमें। इसके बाद ये ट्रिप है, आप ट्रिप चेंज कर सकते हैं, ट्रिप वन और ट्रिप टू। ये इसका बटन है यहाँ से, ये टाइम का स्लॉट है। और ये आपका फिर से जो अभी 620 किलोमीटर जो मेरी बाइक अभी तक चल चुकी है उसका है। तो रॉयल इनफील्ड क्लासिक ने ये पहली बाइक है जिसमें फ्यूल का ऑप्शन अवेलेबल किया है। इससे पहले किसी भी बाइक में फ्यूल का ऑप्शन नहीं था, तो जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और हम बात कर लेते हैं इसके, ये इसका पास है। नॉर्मल हम देखेंगे ये ऐसे पास आते हैं, पर ये कुछ नया है। तो ये आप इससे ये हाई बीम के लिए और ये पास के लिए, ये नॉर्मल इंडिकेटर है लेफ्ट राइट के लिए। और हॉर्न बड़ा ही अमेजिंग है, बहुत तेज हॉर्न है जो सिंगल है अभी। और ये इलेक्ट्रिक स्टार्ट है, देखो तो ये इसका इलेक्ट्रिक स्टार्ट है। और ये हज़ार्ड लाइट है, जलाऊंगा तो चारों इंडिकेटर ब्लिंक करने लग जाते हैं। तो बात करूं मैं साइड मिरर की, साइड मिरर बहुत ही क्लासी लुक देते हैं इस बाइक को। और आप देख पा रहे होंगे ये सिल्वर कॉटेड है, तो लोगों को लगता है ये लोहे का है, बट ये एक्चुअल में प्लास्टिक का है। तो उसके बाद हम आते हैं इसके पेट्रोल टैंक पे। 13 लीटर का इसका पेट्रोल टैंक है। और जो आप ये देख सकते हैं ये जो डिज़ाइन है ये हैंडमेड है, ये सिर्फ दो लोग बनाते हैं चेन्नई में, मे बी इसके बारे में लोगों को आइडिया नहीं होगा। और ये टैंक को कवर करते हैं, इनकेस अगर आप बाइक चलाते हैं तो स्क्रैचेस से बचाता है। और ये लुक भी देता है, अगर ये गिरेंगे तो ये आपकी बाइक को, सॉरी जो टैंक है उसको भी सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। अगर मैं इसकी बात करूँ इसके पावरफुल इंजन की, जो कि आप देख रहे होंगे एक्चुअल में कितना बड़ा है, तो ये 350 cc का इंजन है। और 35 की बाइक माइलेज क्लेम करती है कंपनी, बाकी आपके चलाने के ऊपर डिपेंड है। ये 5 का ट्रांसमिशन मैनुअल गियर है इसके, और 195 cc की बाइक है। और टैंक मैंने आपको पहले बता दिया, 13 लीटर का पेट्रोल टैंक है। ये इसका फुटरेस्ट है जो कि है फोल्डेबल है। और ये लॉकर्स है जहाँ पर टूल किट रखी हुई है और आप पेपर्स वगैरह रख सकते हैं। और बाइक में ये होल्ड करने के लिए सामान वगैरह, अगर कुछ आप लेकर आते हैं मार्केट से तो उसके लिए ये फिर से फुटरेस्ट। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर अगर कोई भी बैठता है तो उसके लिए लेडीज़ फुटरेस्ट भी अवेलेबल है। तो अगर मैं बात करूँ इसके साइड स्टैंड की, तो काफ़ी हार्ड है, अभी सर्विस हुई नहीं है, ऑयलिंग वगैरह नहीं हुई है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके, ये चेन कवर है। इसके बाद ये इंडिकेटर है जो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है, गिरेंगे तो टूट जाएंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ये बैक से लुक है, कुछ रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ है जो कि बहुत ही अमेजिंग लुक दे रहा है बाइक को। ये इंडिकेटर्स हैं इसके। और इसके बाद मैं आ जाता हूँ साइलेंसर पे। इस चीज़ का गाइस बहुत ध्यान रखिएगा, साइलेंसर का बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और पैर वैर जलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि प्रोटेक्शन नहीं है साइलेंसर पे बिल्कुल भी। और ये इसका राइट साइड है, क्लासिक 350 लिखा हुआ है, जो कि एक अलग ही लुक दे रहा है बाइक को। उसके बाद 350 cc का इंजन, ये इसका ब्रेक है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं खास यहाँ पे। तो बाइक अगर मैं बात करूँ इसके ब्रेक्स और व्हील्स और सस्पेंशन की, तो ये ड्यूल डिस्क में अवेलेबल है, ड्यूल चैनल ABS के साथ। डिस्क का जो साइज़ है वो 300 mm है और रेयर का 270 mm है।
और जो व्हील साइज है वो आगे का 19 इंच और पीछे का 18 इंच है। और ये इसमें कुछ इंडिकेटर्स टाइप दिखता है, अगर आप रात में ट्रैवल कर रहे हो तो इस पर रिफ्लेक्टर पे रोशनी पड़ेगी, तो ये भी एक सेफ्टी पर्पज़ है। तो ये तो बाइक के स्पेसिफिकेशन थे जो मैंने आपको दिखाए। अब मैं आपको आपको एक बार बाइक की आवाज़ सुना देता हूँ। उस लोगों ने बोला इसकी आवाज़ बहुत ही दमदार है, तो इसकी एक बार आप आवाज़ सुन लीजिए। साउंड आपने सुन लिया होगा, साउंड काफ़ी ही दमदार है बाइक का, जैसे कि नाम है रॉयल इनफील्ड। तो स्पेसिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है प्रॉपर। अब बात करते हैं एक डिसएडवांटेजेस की, जो थोड़े बहुत मुझे लगे एज ए राइडर। तो बात स्टार्ट मैं करता हूँ इसके मीटर से। मीटर डिजिटल मीटर इन्होंने लोगों ने ऐड किया है, जो कि बहुत ही छोटा है। बार बार आपको बटन प्रेस करना पड़ता है चीज़ें देखने के लिए। तो मेरा ऐसा मानना था कि थोड़ा मीटर बढ़ाना चाहिए था, ताकि सारी चीज़ें एक ही जगह पे कलेक्ट हो जाएं। और सेकंड जो चीज़ है वो इसकी हेडलाइट है। आजकल आप लोग देख रहे होंगे DRL हेडलाइट हर किसी में होती है, तो इसमें भी आई गेस डे ड्रीमिंग लाइट होनी चाहिए थी। और इसके जो टायर्स हैं वो दोनों ट्यूब वाले टायर हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि हर कंपनी मार्केट में ट्यूबलेस टायर अवेलेबल करा रही है, तो इन लोगों को टायर आई गेस देने चाहिए थे। और जैसे कि आप देख रहे हैं बाइक वैसे इतना कॉस्टली है, तो गाइस रॉयल इनफील्ड वालों एटलीस्ट इसमें लेग गार्ड तो आप दे ही सकते हैं। बाहर से लगाओ तो 5,000 या 2,000 से मिनिमम तो लगता ही लगता है। और उसके बाद बात करते हैं इसके साइलेंसर की। साइलेंसर बहुत ही बड़ा है यहाँ पे, आई गेस कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए होना चाहिए था। अगर आप कभी भी उतरे तो आप कभी लेफ्ट से राइट कभी ना उतरे, क्योंकि इसमें पैर जलने का खतरा होता है। मेरा खुद का जल गया है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंजन बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। कॉन्स जो मैंने आपको शेयर किया, अगर आपको भी किसी तरह के कॉन्स पता होते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अगर मैं राइड कम्फर्ट की बात करूँ तो राइड मेरी अभी ज़्यादा हुई नहीं है, डेली का एवरेज 50 किलोमीटर है जो कि मेरा ऑफिस है। नेक्स्ट जो हम ट्रैवल करेंगे रॉयल इनफील्ड से ही करेंगे, और राइड कम्फर्ट की हम तब बात करेंगे। बट बहुत से लोगों से मैंने सुना है कि राइड कम्फर्ट इसका बहुत अमेजिंग है, लॉन्ग राइड के लिए ये बाइक बनी है। सो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी जो हमने रॉयल इनफील्ड पे बनाई। कुछ भी आपको पूछना हो बाइक के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। जैसे आप हमारे प्रीवियस वीडियो को सपोर्ट करते आ रहे हैं, जैसे हम लोगों का ट्रैवल स्टार्ट हो चुका है, और जो संजू है हमारे मेरा भाई जो कि ट्रैवल कर रहा है अच्छे से, तो बहुत अमेजिंग आपको एक्सपीरियंस हम देते रहेंगे, अमेजिंग जो चीज़ें हम आपको दिखाते रहेंगे। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा हो सके उतना। लव रॉयल इनफील्ड।